Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. Get notifications. Hello friends, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन डोनट्स. चिकन डोनट्स बनाने के लिए हमें लगेगा 500 ग्राम बोनलेस चिकन, एक दो पीस ब्रेड के छोटे क्यूब्स में कटे हुए, कुछ मसाले जैसे कि ये आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आपको जैसे लगे वैसे, एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता दो स्पून. मैंने चीज़ भी लिया है इसके लिए, मैंने अमूल चीज़ लिया है ग्रेट करके, थोड़ा मोटा मोटा सा, आपको जैसे चाहिए वैसे आप ले सकते हो. दो ग्रीन चिलीज़ है बारीक कटी हुई, दो एक मीडियम साइज़ का ऑनियन है जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, एक शिमला मिर्च है इसको भी क्यूब्स में काट लिया है, और दो आलू है जिसको मैंने मैश कर लिया है बॉइल करके, मीडियम साइज़ के आलू है. हमें करना ये है कि ये चिकन जो है इसे हमें अच्छे से चॉप कर लेना है चॉपर पे डालकर, एकदम ज़्यादा महीन भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है. ये देखिए, ये मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है अच्छे से चॉप. अब ये इस तरीके से हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है. देखिए मेरे पास चॉपर था तो मैंने चॉपर यूज़ किया है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर में भी जो ब्लेंड टाइप में होता है एक दो बार सिर्फ आप उसको वो कर दीजिए, थोड़ा दरदरा सा होना चाहिए, ज़्यादा महीन नहीं करना है हमें. अब उसी चॉपर में जो मैंने आपको बताया था प्याज और शिमला मिर्च उसको डालना है और हमें इसे भी चॉप कर लेना है. जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है, अब हम इसको भी इस चिकन में डाल देंगे. और मैंने आपसे ये बताया था कि ये दो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है इसको भी हम अच्छे से चॉप करके बाद में इसको भी उसमें मिला देंगे. अब इसमें ये चॉप किया हुआ जो दरदरा सा जो ब्रेड है वो हमें इसमें डाल देना है. और फ्रेंड्स ये है धनिया पत्ता और हरी मिर्च, इसे भी आपको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के अंदर, ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस हल्का सा. ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल यही आपको अब इसमें ऐड कर देना है. अब हम इसमें एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बोला था, आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सारे सूखे मसाले हैं जो मैंने आपको पहले नोट करवाया था, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची और नमक. ये हमारे मैश किए हुए पोटैटोज है, ये हमें इसके अंदर ऐड करना है. अब ये जो सारी चीज़ें इसे हमें अच्छे से मैश कर देना है, एक दूसरे में मिला लेना है, मिक्स करना है अच्छे से. जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है. अब हम चलिए शुरू करते हैं बनाना डोनट्स. अब डोनट की जो कोटिंग हम करने वाले हैं उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ये ब्रेड है, ब्रेड क्रम, फ्रेश ब्रेड क्रम है. अगर आप घर पर हैं भी ब्रेड के पीसेस लीजिए और मिक्सी में घुमा दीजिए, आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे. ये मैदा है, ये आपकी रेड चिली सॉस है जो कि आपको इसमें डालनी है, और ये दो अंडे हैं. तो चलिए हम कोटिंग की तैयारी करते हैं. पहले हम ये करेंगे कि ये बाउल लेंगे, बाउल के अंदर दोनों अंडे डाल देंगे, फिर उसके बाद में नमक डालना है, चिली सॉस डालना है, रेड चिली सॉस एक स्पून. इसे हमें अच्छे से बीट कर लेना है, अच्छे से ये बीट हो जाए, इसे आप पे फेंट लेना है अच्छे से.
आपको ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा मोटा लेना है, ज़्यादा लेना है ताकि ये डोनट्स का अच्छे से शेप ले सके, क्योंकि अगर आप एकदम कम लोगे या बहुत ज़्यादा भी लोगे या बहुत कम भी लोगे, तो अगर कम लोगे तो पतले डोनट्स बनेंगे, जो कि हो सकता है बाद में आपको असेंबल करते वक्त, मतलब कि जब मैदे में से अंडे में, अंडे में से ब्रेड क्रम में, तो वो हो सकता है कि वो टूट जाए। तो आपको कम से कम इतना बड़ा गोला लेना है और उसको उसको ऐसे करके प्रेस करना है, हल्का सा मोटा ही रखना आपको उस टिक्की को बिल्कुल। अब ये टिक्की आपकी तैयार है, इसको आपको पहले मैदा भी यूज़ कर सकते हैं आप, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल तो मैदा ही इस्तेमाल किया। अगर कभी इनकेस आपके पास में मैदा अवेलेबल, कॉर्नफ्लावर अवेलेबल ना हो, तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मैदा इस्तेमाल किया, मैदे में पहले हमने इसको डिप किया है, फिर उसके बाद में हम इसे एग वॉश देंगे। एग वॉश देने के बाद में ये जाएगा ब्रेड क्रम पर। अब ब्रेड क्रम इसे अच्छे से लगा दीजिए, अच्छे से इसको कोट कर दीजिए। ये टिक्की आपकी तैयार है। इसके बाद में आपको एक छोटे से कैप होगा या कोई भी मेडिसिन की कैप होगी आपके पास में, या कोई भी ऐसा मोल्डर होगा जिससे आप आसानी से उसमें छेद कर सकते हैं, तो आप उसके हेल्प से उसके अंदर छेद कर सकते हो। आपको करना ये है कि बस इसके ऊपर रखना है और इसे हल्के से प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये कैप यहाँ से आपको पीछे से, जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो ये डोनट का शेप आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके डोनट्स एकदम परफेक्टली रेडी है, और मैंने ऑयल भी अभी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। प्री हीटेड ऑयल है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना है गैस और ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है, इतना रखना है कि ये बस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसे फ्राई करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा पहला पीस हमने इसमें डाल दिया। कोशिश ये करिएगा कि ये ज़्यादा जले ना, और मीडियम गैस पे रखिए, ज़्यादा हाई भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं। हमें एक एक करके सारे डोनट्स इसमें डाल देना है और इसे मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आना लग गया। अब धीरे धीरे आपको इसे टर्न ओवर फ्लिप करते रहना ताकि ये इवनली चारों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर ले सके। बच्चों को डोनट्स बहुत पसंद होते हैं और हमेशा एक ही तरह का डोनट खिलाना थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको वेरिएशन देके ये भी बना सकते हैं। ये बच्चों को काफ़ी मज़ा भी आएगा खाने में, और ये हाइजीनिक भी आप घर पर बनाएं, पता नहीं बाहर का कैसा हो, तो आप घर में बच्चों को थोड़ा इनोवेटिव नाश्ते के टाइम पे आप ये सब चीज़ें बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हो। आपकी ये रेसिपी खाकर बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। देखिए ये अब बिल्कुल रेडी है, अभी हमें इसे परफेक्ट कलर आ चुका है, अभी से हमें डिश आउट करना है। एक डिश या प्लेट ट्रे में आप इसे निकालते जाइए धीरे धीरे करके। सारे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देखिएगा कि इवन कलर है, वो अलग अलग ना लगे बिल्कुल भी, मतलब ऐसे नहीं कि एक ज़्यादा ब्राउन हो चुका और एक ऐसे लगे कि बिल्कुल रेडीमेड से है, आपने कहीं शॉप से ख़रीद के लाए। बच्चे एकदम पसंद करेंगे ये देखकर। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको पसंद आई है मेरी रेसिपी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें योर्स किचन को।